तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप पीसी का जो कैपकट है उसके लिए कैसे आप कौन सा वीपीएन यूज़ कर सकते हो जिसके कारण कि आप इफेक्ट वगैरह नहीं यूज़ कर पाते हो। कई बंदे होंगे जो एडिटर हैं जिनको कि इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा इस चीज़ के लिए, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा कौन सा वीपीएन आपके लिए बेस्ट होगा जिसमें कि आपका कोई भी डाटा वगैरह नहीं लीक होगा। सिंपली आपको यहाँ पर कोई ब्राउज़र ऑन कर लेना, सबसे यहाँ पर आपको सर्च करना है वीपीएन गेट, तो उसके बाद एंटर कर देना। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला वाला साइट है वीपीएन गेट करके, उसी पे आपको जाना और किसी पे मत जाना। तो ये जो पहला वाला साइट है वीपीएन गेट पब्लिक फ्री क्लाउड बाय यूनिवॉप जो भी है, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको अंदर एक पेज देखेगा, तो ये देख सकते हो ऐसा कुछ पेज आपको देखने को मिल सकता है, सकता नहीं है, मिल जाएगा। और यहाँ पे पब्लिक वीपीएन देख सकते हो, ये जो पहला वाला दिख रहा है ना जापान, ये देखो जापान करके पब्लिक वीपीएन 199.opengw.net नेट करके, तो ये वाला आपको ले लेना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। तो सिंपली यही लेना है और कोई मत लेना मेरे हिसाब से। तो ये बेस्ट वर्क करता है वीपीएन, जो अच्छा आपको कनेक्टिविटी देता है, नेटवर्क सही चलता है इसका। मैं खुद पर्सनली इसे यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो नहीं पता मुझे। अगर आप लोग तो कहीं नहीं चला, सर्वर स्लो रहता है बाकी सबका। तो सिंपली आपको यहाँ से पब्लिक वीपीएन जहाँ तक नेट है, पब्लिक से लेकर लास्ट नेट तक आपको इसको सिंपली कॉपी कर लेना है और कुछ नहीं करना। बस आधा काम, अगर वीपीएन कनेक्ट हो गया आधा काम आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी सब में भाई यहाँ पे आप आओगे तो देख सकते हो विंडो 10 में जो रहता है आजकल के सारे पीसी लैपटॉप में रहते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको देख सकते हो वीपीएन है ऐड वीपीएन कनेक्शन, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना। सिंपली पहला वाला में आपको वीपीएन प्रोवाइडर, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना विंडोज बिल्ट इन, और दूसरा में वीपीएन कनेक्शन नेम, तो इस पर आपको कुछ भी नाम रख देना। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 रखा था, तो इस पर मैंने रख देता हूँ 5। तो 5 रखने के बाद सर्वर नेम और एड्रेस, इस पर जो सिंपली है ये मतलब मेन थिंग है, ये आप अच्छे से देख लो। इसमें आपको डालना वो जो आपने कॉपी किया था, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, देख सकते हो पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ऑटोमेटिक वीपीएन टाइप में आना आपको, यहाँ पे सिक्योर सॉकेट ट्यूनिंग प्रोटोकॉल जो है SHTP, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और बाकी टाइप असाइन इन इंफॉर्मेशन, इसमें आपको ले लेना यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम में दे देना आपको वीपीएन, जो कि उसके नीचे आपको पासवर्ड दिखेगा, इसमें आपको वीपीएन डाल देना। और बाकी अब आपको कुछ नहीं करना, आधा काम आपका लगभग यहाँ हो गया है। अब बस आपको सेव कर लेना है, तो देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया है। 1, 2 मेरा पहले से था, 4 एक और था, मैंने उसे डिलीट कर दिया। बाकी आप जैसे यहाँ पे आओगे तो देख सकते हो 5 करके सिंपली इसको कनेक्ट कर लेना। अगर कनेक्ट हो गया तो भाई समझो काम हो गया आपका। तो देखते हैं, तो फाइनली गाइस कनेक्टेड है यहाँ पे, फाइनली कनेक्टेड। तो बस अब क्या है, देख सकते हो ये फिलहाल रील मैंने एडिट किया था पहले, तो अब बस आपको ट्रैक एंड पे एक बार और क्लिक करना है। ज़्यादा अब दूर नहीं है, देख सकते हो थोड़ा लोड लेगा, लोड लेगा, फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा लोड लेता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। बस एक बार आपका जब इफेक्ट आना चालू होगा तो उसके धड़ाधड़ धड़ाधड़ आने चालू हो जाएंगे सारे इफेक्ट। तो हम फिल्टर पे भी अब क्लिक कर लेते हैं, सारा ये लोड लेगा अब। तो ये देखो फिल्टर हमारा आ चुका है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे फिल्टर हैं भाई, आप सभी को यूज़ कर सकते हो। अब इफेक्ट भी देख सकते हो यहाँ पे, इफेक्ट का भी ऑप्शन खुल गया आपके लिए यहाँ पे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको यूज़ भी करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग भाई कहीं वर्क नहीं किया वगैरह वगैरह।